आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। छतरपुर में दिखा वरदान एक्सप्रेस की खबर का असर। वार्ड क्रमांक 2 में गंदगी के अंबार को लेकर वरदान एक्सप्रेस ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्षद गोविंद तिवारी हरकत में आए और यहां पे नालियों की सफाई करवाई गई। इसके अलावा सड़कों पर भी झाड़ू लगवाई गई, साथ ही यहाँ पे उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने कार्य की फोटो भी वायरल की है, जिसको हम दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके का यहाँ पे सफाई का काम किया गया है। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि कीर्ति नगर कॉलोनी जो वार्ड क्रमांक 2 में आती है, उसकी तस्वीरें अभी भी जस के तस बनी हुई हैं, जिसको लेकर कॉलोनी के रहवासी लगातार इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार वार्ड नंबर 2 में ही आता है कीर्ति नगर कॉलोनी, फिर भी यहाँ पे क्यों नहीं नालियों की सफाई होती और क्यों नहीं झाड़ू लगती है। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके के यहाँ पे आरोप लग रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जो कांग्रेस के पार्षद हैं गोविंद तिवारी, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से और क्या बातें कही हैं, छोटे से ब्रेक के बाद बताते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं हेमा एल्युमिनियम एंड प्लाई। हमारा पता न्यू चंदपुरा इंडस्ट्रीज एरिया, पन्ना रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में स्वागत है। हम आपको बता दें, छतरपुर में वार्ड क्रमांक 2 में गंदगी का अंबार था, जिसको लेकर वरदान एक्सप्रेस ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका कुछ असर वरदान एक्सप्रेस का देखने को मिला है। हम 100% असर नहीं मानते, क्योंकि जब पूरे वार्ड की सफाई हो जाए और समस्या खत्म हो जाए तभी यहाँ पे पूरा असर कहा जा सकता है। लेकिन उसके पहले कुछ असर दिखा है और जो कांग्रेस के पार्षद हैं गोविंद तिवारी बाय हरकत में आए, जिसके बाद उन्होंने जो हमने तस्वीरें दिखाई थी कि नालियाँ कई समय से चोक पड़ी हैं और पानी ओवरफ्लो जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पे पार्षद ने खुद उस जगह पर जाकर सफाई करवाई, जिसकी तस्वीरें उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर की हैं, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने यहाँ पे सफाई का कार्य कराया है। और इस बात को लेकर जब वरदान एक्सप्रेस ने खबर प्रमुखता से दिखाई तो लोगों ने कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती, नालियों की सफाई भी नहीं होती। जिस बात को लेकर यहाँ पे जब पार्षद को इस मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से सफाई करवाई और यह कहा कि समय समय पर सफाई होती है, लेकिन अगर सफाई होती है तो फिर इस तरीके से ओवर चोक कैसे नालियाँ हो जाती हैं कि वहाँ पे पानी भी नहीं निकल पाता, इस तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। खैर, भाजपा पार्षद जहाँ पर होते हैं तो वहाँ पे सही तरीके से काम हो रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के पार्षद हैं और वार्ड क्रमांक 2 में कांग्रेस पार्षद गोविंद तिवारी जीत कर आए हैं, इसीलिए शायद धीमी गति से निर्माण कार्य चल रहा है, साफ सफाई में दिक्कतें हो रही हैं। उधर इस बात को लेकर जब पार्षद ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दी और उन्होंने कहा कि यहाँ पे बजट की बड़ी समस्या है, कर्मचारियों का अभाव है, जिसके कारण वार्डों में साफ सफाई धीमी गति से हो रही है, चाहे भाजपा के पार्षद हों या कांग्रेस के पार्षद हों, सभी के साथ इसी तरीके का बर्ताव हो रहा है, समस्या विकराल है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। वरदान एक्सप्रेस खबर दिखाने का ये कोई औचित्य नहीं था कि यहाँ पे किसी की आलोचना करना, लेकिन यहाँ पे सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए इस तरीके की खबर को प्रमुखता से दिखाया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर सुझाव दीजिए। इसके अलावा आपके मोहल्ले में भी, आपके वार्ड में भी अगर गंदगी है और समस्या से आप बहुत परेशान हैं तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप अपने वार्ड का नाम और जगह जरूर लिख दीजिए। कोशिश रहेगी कि उस वार्ड में भी हमारी टीम पहुंचे और आपकी समस्या को उजागर किया जाए, ताकि नगरपालिका का अमला और पार्षद जल्द ही उस वीडियो को देखकर सुधार करवा सकें। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।